आहूजा ग्रुप के एमडी की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। आहूजा ग्रुप के एमडी व पीएमएस स्कूल के वित्तीय निदेशक की हत्या की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों बदमाशों ने हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। राजेश नाम के शार्प शूटर को के लिए कुछ रुपए एडवांस दिए थे। पीएमएस स्कूल पर काबिज होने के लिए पहले ट्रस्टी ने सुपारी दी। सांसद पर लाठीचार्ज पर सपा का प्रोटेस्ट। कल हुए निषादों की रैली में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में दर्जनों लोग घायल हो गए। यहां तक कि खुद सदर सांसद प्रवीण निषाद पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें प्रवीण निषाद घायल हो गए और उनके हाथ में चोटें आईं। डीएम साहिबा ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। जनपद हापुड़ की डीएम साहिबा अदिति सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी मतदान स्थलों को आयोग की मंशा के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिए। उसके बाद तहसील में पहुंचकर कई मतदान स्थलों का निरीक्षण भी किया। दबंगों द्वारा जमीनी विवाद में दलितों की पिटाई। बलुआ थाना क्षेत्र के देड़वा गांव में दबंगों ने जमीनी विवाद पर दलितों को जमकर पीटा। गंभीर हालत में घायलों को डीएम ने जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना में बलुआ थाना अध्यक्ष व दबंगों की मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। स्टेट बैंक के समीप 8 लाख की लूट के आरोपी गिरफ्तार। बीते दिनों स्टेट बैंक के समीप से दिन दहाड़े 8 लाख की लूट की घटना का अनावरण किया गया। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3,17,000 रुपए बरामद किए गए। तालाब में डूबकर 2 मासूमों की मौत। शुक्रवार को दोपहर चंगड़ा थाना क्षेत्र के नई बाजार चौकी निम्बेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में स्थित पोखरे में 2 मासूम बच्चों की नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से मौत हो गई। बच्चों के शोर मचाने पर मंदिर के मुख्य पुजारी गजेंद्र गिरी ने तालाब में कूदकर दोनों बच्चों को बारी बारी तालाब से बाहर निकाला। तब तक मासूमों की मौत हो गई। विद्युत कर्मचारियों ने की सरकारी दफ्तर व अस्पतालों की बत्ती गुल। विद्युत संविदा कर्मियों का वेतन न मिलने से नाराज कर्मियों ने अधिकारियों के कार्यालयों घरों के विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया। साथ ही जिला अस्पताल की भी बत्ती गुल कर दी। जिला अस्पताल में इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीज बत्ती न होने से परेशान नजर आए। 18 माह से वेतन न मिलने से संविदा कर्मी नाराज हैं।